दोस्तों 17 साल की उम्र में अगर किसी बच्चे को लाखों फॉलोअर्स फॉलो करते हो तो फिर सोच सकते हो 27 की उम्र में वो शख्स कितना बड़ा स्टार होगा। सीरियल बरिस्टर बाबू में बोंदिता के कैरेक्टर में लीड रोल एक्टिंग करने वाली आंचल सोम को सिर्फ 17 साल की उम्र में कलर टीवी के सीरियल परिणति में परी के रोल में ऑडियंस द्वारा बेहद पसंद किया गया, जो न सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि पॉपुलर मॉडल भी है। आंचल ने अपना करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सिर्फ 6 साल की उम्र में शुरू किया, जिन्हें पहली बार 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के साथ एक कमर्शियल एड में देखा गया। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इतनी कम उम्र में बिना किसी गॉड फादर के सक्सेस आंचल की स्टोरी को आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए, ताकि लाइफ में करोड़ों लोगों को पॉजिटिव प्रेरणा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 18 मार्च 2005 को, जब मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली में साधारण सी दिखने वाली बच्ची का जन्म हुआ, जिनके पिता प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग और माँ हाउसवाइफ, जबकि सिस्टर अंजलि साहू जो आज एक MBBS के स्टूडेंट है, बचपन से ही आंचल की बेस्ट फ्रेंड है। आंचल जब 6 साल की थी तब उनकी एक फोटो उनके मामा जी ने फेसबुक पर अपलोड की थी, जो कमर्शियल एड के एक डायरेक्टर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनके मामा जी को आंचल के ऑडिशंस के लिए कांटेक्ट किया, जिसके बाद उन्होंने ऑडिशंस दिया और 2011 वर्ल्ड कप के दौरान सचिन तेंदुलकर के साथ उन्हें एड करने का अवसर मिला, जिसमे आंचल सचिन को बेस्ट ऑफ लक कहती हुई नजर आई। वो एड आंचल की वजह से इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें सीरियल 1000 में मेरी बहना हमें चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में कास्ट कर लिया गया। तभी से आंचल मॉडलिंग की दीवानी हो गई और उन्हें ये फील्ड पसंद आ गई। फिर बीकाजी रसगुल्ले और फरेरो रोचर जैसे ब्रांड के साथ काम करने के बाद आंचल सावधान इंडिया, बेगूसराय, लाजवंती और मेरी दुर्गा शक्तिपीठ जैसे कई सीरियल में नजर आई, जिसके बाद उनकी असली कहानी की शुरुआत हुई। दोस्तों काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा की निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो काट लेता है हर कोई, मगर जिंदगी जियो इस कदर की आंचल की तरह मिसाल बन जाए। खुश मिजाज और शांत स्वभाव की आंचल अपनी माँ को अपना रोल मॉडल मानती है, जो रियल लाइफ में मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर उतनी ज्यादा सेंसिटिव भी है, जिन्हें तेज आवाज में कोई कुछ कह दे तो वह रोने लग जाती है। मॉडलिंग के साथ साथ आंचल एक क्वालिटी स्टूडेंट भी है, जिन्हें शूटिंग से टाइम मिलते ही वह अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है, जिसने 10th स्टैंडर्ड में 94% मार्क्स हासिल करने के बाद 2019 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म मर्दानी 2 में ब्रिज की डॉटर के रोल में देखा गया और वेब सीरीज गर्लफ्रेंड चोर में भी एक्टिंग करती नजर आई। आंचल की लाइफ में एक ऐसा भी दौर आया जिन्हें ऑडिशंस में सालों तक लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, मगर आंचल ने हार नहीं मानी और लगातार रिजेक्शन ने उन्हें एक बेहतर एक्ट्रेस बना दिया। और फिर कोरोना लॉकडाउन के दौरान उनकी किस्मत चमकी, जब उन्हें सीरियल क्यों उठे दिल छोड़ आए में सिलेक्ट कर लिया गया, जहां शो मेकर्स ने उन्हें काफी सपोर्ट किया, जिसके बाद 16 साल की आंचल ने सीरियल में जान डाल दी, जहां उनके शगुन पांडे के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया गया और आंचल अब टेलीविजन इंडस्ट्रीज में सुर्खियों में आ गई। इस सीरियल के बाद आंचल को बरिस्टर बाबू में बोंदिता के लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया गया, जहां उनकी एक्टिंग को देखकर ऑडियंस ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तभी से सभी जानते हैं आंचल की पॉपुलरिटी कहां से कहां पहुंच गई। लीड रोल एक्टिंग करने के बाद आंचल मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई, जिसके बाद आंचल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपनी एक्टिंग पर फोकस कर इंडस्ट्रीज की वन ऑफ द बेस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस बन गई, जिन्हें एक बार फिर कलर टीवी के सीरियल परिणति में उन्हें परी के कैरेक्टर में ऑडियंस द्वारा एक बार फिर से बेहद पसंद किया गया। दोस्तों टेलीविजन और बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के आंचल ने अपने आप को स्थापित किया वो बेहद काबिले तारीफ है, जिसके पीछे 10 साल की मेहनत ही उनकी सक्सेस का राज है, जो लगातार बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट लगी रही। आंचल अपनी एक्टिंग को हमेशा सिंपल रखना पसंद करती है, उनके इसी एटीट्यूड की वजह से लोग उन्हें पसंद करने लगे, जो अपने को एक्टर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन रखना पसंद करती है, जिन्हें हमेशा याद रहता है कि ऑडियंस क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं। तो ये थी टेलीविजन एक्ट्रेस आंचल साहू। अगर ये लड़की इतना कुछ कर सकती है तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो आप ना कर सको। दोस्तों अगर आप आंचल के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और हमें कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आप किस एक्ट्रेस पर देखना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।